हेलो गाइस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मास्टर बेडरूम के डिज़ाइन के ऊपर। दोस्तों, मास्टर बेडरूम का नाम सुनते ही आपके दिमाग के अंदर जो है एक इमेज पूरी आपने क्रिएट कर ली होगी कि बेडरूम का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा होगा, उसके साथ में काफ़ी अच्छी साइज़ की जो विंडोज़ पूरी मिलेगी और इसके अलावा जो बेड का पूरा डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही डिज़ाइन जो है वो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ। एक साइट के ऊपर जो है हम इस तरह का एक बेडरूम पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं और उसको कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उसकी बेड की जो कुल्टिंग है उसको अभी प्रोसेस के अंदर हमने लिया हुआ है, उसको साइट के ऊपर हम इंस्टॉल करवा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बेड की जो कुल्टिंग है उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, कैसे उसके कलर कॉन्सेप्ट को चूज़ किया जाता है, किन किन चीज़ों का इंस्टॉलेशन के अंदर हमें ध्यान रखना है, प्लाई की कटिंग से लेकर के उसकी मैकिंग और इंस्टॉलेशन तक का पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में आपको जानकारी पूरी मिलेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश टाटेवाल और गाइस चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं आपको साइट पर ले चलता हूँ। साइट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो पूरा बेडरूम है उस बेडरूम के अंदर अभी यहाँ पे हेडबोर्ड के ऊपर जो है कुल्टिंग का जो वर्क है उसको करने के लिए प्लाई की जो कटिंग इसको की जा रही है और प्लाई की कटिंग करने के बाद में उसको हेडबोर्ड के ऊपर पूरा सेट किया जा रहा है। दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो बेड है पूरा किंग साइज का पूरा बेड है, दोनों साइड में साइड टेबल्स है और काफी बड़े साइज का हेडबोर्ड मिल रहा है और हेडबोर्ड के ऊपर जो है हमने एरोडायनेमिक शेप के अंदर हमने जो 4 इंचेस के पैनल्स हैं उसको बनाते हुए पूरा डिजाइन हमने प्रिपेयर किया है। तो दोस्तों, इसकी कटिंग कैसे करनी है? दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो प्लाई की थिकनेस है वो 6 to 9 mm की थिकनेस उसकी होनी चाहिए मिनिमम। ऐसा नहीं कि आपने 3 mm के अंदर बना लिया, MDF में बना लिया, दोस्तों वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 9 mm की प्लाई के अंदर हमने इसको पूरा जो है इस कटिंग को पूरा करवा रहे हैं दोस्तों। और आप देखोगे पैनल से पैनल के बीच के अंदर जो है आपको यहाँ पे 3 mm का गैप आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, 3 mm का गैप हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो फैब्रिक है वो फैब्रिक दोनों जो है जब इंस्टॉल करना होता है साइड के ऊपर तो बीच के अंदर कुछ मार्जिन जो है फैब्रिक के लिए हमें छोड़ना होता है, तो उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मतलब एक कटर मैं बोलूँ या जो कटर है, एक सूत के कटर की थिकनेस होती है, मतलब कि 3 mm की कटर की थिकनेस होती है, उससे आपको कट करके इसको पूरा बनाना है। तो आपको पहले प्लाई का पूरा जो पैनल है उसको रेडी करना है। रेडी करने के बाद में दोस्तों उसके ऊपर हर एक पैनल के ऊपर उसकी नंबरिंग पूरी डालनी है। दोस्तों, अगर आपने नंबरिंग के अंदर मिस्टेक कर दी दोस्तों तो साइड के ऊपर जब इसके ऊपर कुल्टिंग हो जाएगी, कुल्टिंग होने के बाद में तब उसके ऊपर कपड़ा रैप कर दिया जाएगा और साइड पे जब बंदा इसको इंस्टॉल करने वाला आएगा अगर नंबरिंग में कहीं मिस्टेक हो गई तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, साइड के ऊपर लगाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो दोस्तों, नंबरिंग आपने कर ली, अब इसके बाद में जो है वो इंस्टॉलेशन कैसे होती है दोस्तों, तो आपने अपनी थीम के अकॉर्डिंगली जो है आपका जो भी बेडरूम है या जिस एरिया के अंदर आप कुल्टिंग कर रहे हो उसकी रूम की थीम को आपको देखना है कि हमारी रूम की थीम कैसी हो रही है। अगर आपके डार्कर कलर्स हैं, शेड्स हैं, तो आपको लाइटर शेड में जाना चाहिए और अगर लाइट आपके कलर्स हैं, सूदिंग कलर्स हैं, तो उसके साथ में एक अच्छा कलर डार्कर शेड आप ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा निकल करके आएगा, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस, जैसे ही आपकी प्लाई की पूरी कटिंग हो जाती है, प्लाई की कटिंग होने के बाद में जो भी आपका वेंडर है कुल्टिंग वाला या फिर कुशनिंग वाला, वो वेंडर उन प्लाई को ले जाता है और ले जाने के बाद में उसके ऊपर जो है या ऑन साइट के ऊपर पूरी फोमिंग वगैरह को जो है पेस्ट करके उसके ऊपर कपड़े को रैप किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी फैब्रिक आपने चूज किया है उसको वो प्रॉपर रैप कर लेगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमेशा फैब्रिक जो है वो एक्चुअल जो एरिया होता है उसका जो है 1.25% एक्स्ट्रा ही लगता है दोस्तों, तो आपको वो डिपेंड करता है डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर। तो आपका जो भी वेंडर है उससे पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि हमारा बेडरूम का हेडबोर्ड ये है और हेडबोर्ड के डिज़ाइन के अंदर हम इस वाली डिज़ाइन को ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो कपड़ा आपको बता देगा और कुछ कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेकर के रखना होता है क्योंकि कटिंग के अंदर कुछ वेस्टेज वगैरह इसमें हो जाती है। तो दोस्तों, साइड के ऊपर आप देखोगे तो ये एग्जीक्यूशन का पूरा वर्क चल रहा है। यहाँ पे जो पूरे जो कुल्टिंग का एक एक पैनल है उसके ऊपर कपड़ा पूरा रैप कर दिया गया है और साइड के ऊपर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों, इसको भी हमने पहले एक बार इसको पूरा कच्चा इसमें करवाया हुआ है, कच्चा करने के बाद में इसको अभी हम फाइनलाइज पूरी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि एक एक जो पैनल है उस पैनल के ऊपर जो फोमिंग है उसको पूरा राउंड शेप में इसको पूरा कर्व किया हुआ है जिससे कि पैनल की जो ब्यूटी है काफी अच्छी निकल करके आ रही है। इंडिपेंडेंट एक एक पैनल अपने को काफी हाईलाइटेड शो कर रहा है जो आपको वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, पूरा इंस्टॉलेशन का वर्क यहाँ पे हो रहा है और ये जो पूरा हेडबोर्ड है जो ग्रे जो कलर की थीम है उस थीम के साथ में जो है ये जो बेड काफी ज्यादा जो अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो गाइस, आप देखते हैं कि यहाँ पे साइड के ऊपर इसका इंस्टॉलेशन का पूरा वर्क चल रहा है और इंस्टॉलेशन के अंदर आप देखोगे तो दोनों साइड के अंदर जो हमारे साइड टेबल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स की भी यहाँ पे अभी कटिंग करवाएंगे और प्रॉपर इसको इंस्टॉल करवाएंगे। तो दोस्तों, एक एक पैनल के ऊपर नंबरिंग पूरी बैक साइड में लगी हुई है, उस नंबरिंग के अकॉर्डिंगली ही साइड के ऊपर इसको इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। दोस्तों, आप देखते हैं कि इसके अंदर जो है ये ग्रे कलर की जो कुल्टिंग है वो आपको कैसे लगे दोस्तों, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये हेडबोर्ड का डिजाइन और इवन ये जो बेडरूम का पूरा डिजाइन है वो कैसा लगा। दोस्तों, इसी तरह के
प्रोडक्टिव जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। अगर आपको ये कंटेंट और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल आर्क इंटीरियर्स बाय रवि शाटीवाल के ऊपर अपना प्यार इसी तरफ बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।